अस्सलामुअलैकुम। खतरा तो दिखाओ अगर लगा कि तो मैं चावन कोई ना आसा बन गई सी वीडियो बन गई है अगर लगा गया ना शोक तू तू गहरी जगह ते मैं चावन कोई ना आसा मैं ए मोटरसाइकिल खड़े तो मैं निकलने लग रहा तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों जैसे क्या पता है, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, मैंने एक टूर पर जाना है। टूर क्या काम भी है, शुगर मिल का सीज़न चल रहा है ना, तो शुगर मिल के सिलसिले में हमने वहाँ भी जाना है, तो थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। बस अभी तैयारी करनी है, तैयारी का मूड बन रहा है। छोटे भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है लैया शहर यूनिवर्सिटी में। वो जैसे आता है तो इंशाल्लाह तैयारी करता हूँ, वो फिर मुझे अड्डे पे छोड़ आएगा। साथ कज़न भी जाएगा, क्योंकि शुगर मिल ओपन हो रही है ना, गन्ने का सीज़न है शुरू हो गया, तो उस सिलसिले हम जा रहे हैं। तो शायद थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। रास्ते में जितना हो सका वीडियो क्रिएट करते जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, अभी करोड़ शहर पहुँच गया हूँ मैं। अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, राणा जयदेव की गाड़ी ने आना है और एक डैबो की गाड़ी भी आएगी। 1:45 का टाइम है, 1:06 बजे का टाइम है। तो अभी पेट पूजा करते हैं, वही अपनी फेवरेट चीज़ कराची बनानी ढूंढते हैं, अगर मिल गई तो उसके बाद देखते हैं फिर कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करते हैं। अगर डैबो वालों की आ गई तो ठीक है, वरना राणा जयदेव तो है ना जिंदाबाद। राणा जी माफ़ करना, गलती हमसे हो गई। दोस्तों गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं अभी, तो गाड़ी का बड़ा टाइम तो है नहीं, तो राणा जयदेव पे ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह 6:30 बजे पखर उतरेंगे। पखर से जो गाड़ी निकलती है ना झांग मोड़ की तरफ, झांग मोड़ से डेर इस्माइल खान के लिए, इंशाल्लाह उस गाड़ी पे बैठ के फिर डेर इस्माइल खान की तरफ जाएंगे। ये दोस्तों इस वक्त पहुंच गया हूँ मैं पखर, झांग मोड़ पे खड़ा हूँ। झांग मोड़ से आपसे जहाँ से गाड़ी है कि गाड़ी से बाद फिर जाना है हमने डेर इस्माइल की तरफ इंशाल्लाह। मेरी किस्मत चेक करें, जहाँ पे गाड़ी ने उतारा है दोस्त का हॉस्टल भी वहीं है, सैंडीगेट चौक के सामने। उसने कहा था सैंडीगेट चौक आ जाना, मैं आकर ले जाऊँगा। अभी कॉल किए तो वो सामने आ गया मेरे आमने सामने, जहाँ पे उतरा हूँ वहीं के सामने ही उसका हॉस्टल था। अस्सलामुअलैकुम। मलकुनिया रोल तक चस बटी यार, गड्डी ने रोल लिता अल्लाह की कसम से, दोबारा दुनिया आना यार। इन मेरे को नहीं पता लगा, मेरा कजन अल्लाह बंदा मेरे को फंसा दिता है। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। तो दोस्तों रात तो वीडियो बना नहीं सका, उसकी वजह एक तरह रात लेट हो गए थे, तो सही तरह से वीडियो बना नहीं सकी। मैं घर से निकला हुआ था तो पहुंच गए डेर इस्माइल खान, शुक्र अल्लाह नाश्ता हो गया। तो अब आपको डेर इस्माइल खान की सैर करवाते हैं, पहले शुरू तो वीडियो के साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। पहुँचे हैं मस्करा बाज़ार में। इस बाज़ार में एक तो दोस्त की शॉप है, वहाँ से बाइक लेनी है, बाइक लेनी है क्योंकि यहाँ पर पैदल सफ़र नहीं हो सकता, पैदल सफ़र ना होने की वजह से बाइक ले रहे हैं। तो बाइक लेंगे, उसके बाद फिर बाज़ार भी सैर करेंगे और एक दो जगह और भी जाना है, वहाँ भी आपको विज़िट करवाएंगे। जी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं चौक, ये चौगल्ला बाज़ार है, चौगल्ला चौक। अब वो ये चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ से चार बाज़ार निकलते हैं, भाटिया बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार और गोसर बाज़ार, चार बाज़ार टोटल निकलते हैं यहाँ से। ये है चौगल्ला चौक, चार बाज़ार निकलते हैं यहाँ से।
काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है। चौक है, चौगल्ला चौक। बाबे डेरा, बाबे डेरा बन वेंद है। फिर इस्माइल खान खत्म। इस्माइल खान आए और पठानों की चाय ना पिए, ये कैसे हो सकता है? सर में दर्द हो रहा था, शुक्र सुना चाय पी लेते हैं। चाय के बगैर गुजारा नहीं है भाई, जब तक चाय ना पी तो मज़ा नहीं आता। कैसे भाई? बिल्कुल है मुजम्मिल भाई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ? ਸਿੰਧ ਤੇ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੇ ਇਥਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। अगर लगा गया ना शौकत तू यू गहरी जगह ते, मैं ते चावन कोई ना आसा। अच्छा। मैं ए मोटरसाइकिल खड़े तो मैं निकलने लग रहा था। रस्ता मेरा रिठा है। चलिए 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 चल 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 लेट्स नहीं पे। हाँ जी, स्पून स्पूनल नहीं आ रहा था इतना यहाँ पर एंजॉयमेंट का, जैसे होते ना एंजॉयमेंट, तो वो तो मज़ा आ नहीं रहा। बस वापस जा रहे हैं, कैंट देखते हैं। कैंट देखने के बाद फिर मैंने घर निकल जाना है, जो हमारा काम था वो तो हो गया, तो अब बस निकलते हैं फिर यहाँ से। अब पहुँचे हैं कदीमी सोन हलवा पे। जैसा कि मुल्तानियों का सोन हलवा मशहूर है, मुल्तानी सोन हलवा हाफिज वालों का, यहाँ पर भी डेरा इस्माइल खान का बहुत ही फेमस सोन हलवा है। कदीमी सोन हलवा वालों का बहुत ही फेमस है यहाँ पर। सर्कुलर रोड है, मेन ब्रांच है इनके कदीमी सोन हलवा वालों की, सर्कुलर रोड पे। ताज़ा बन गया था यहाँ पे। चेक करने के लिए दिया है, गर्मा गर्म है ये। माल यार गर्म है बहुत। क्यों लगा है सर? बहुत अच्छा है। ये जो हलवा है ना, ये मुल्तान से भी ज्यादा मशहूर है। मुल्तानी सोन हलवा से?
जी सर, ये मुल्तानी सोना वैसे भी ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा टेस्टी है। ये जो है ना, ये जो शॉप पर आप आए हुए हैं, ये बहुत पुरानी शॉप है। मतलब इनका ये कहना है कि ये डेरे की सबसे पहली दुकान है जिन्होंने ये हलवा बनाना शुरू किया। यार वाकई यार, गरम गरम एक किलो का करे सी घर की थी।